कुछ जिक्र करने वाले हैं। लिंग सहलग्न वंशागति या इसी को हम लोग वर्णांधता भी कहते हैं। दोस्तों ये लिंग सहलग्न वंशागति या वर्णांधता है क्या, एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। दरअसल दोस्तों हर साल ये बोर्ड परीक्षा जैसे एग्जामों में पूछा जाता है और इस साल भी पूरी तरह से पूछे जाने की संभावना है, तो है क्या, चलिए इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। प्रायः लिंग गुणसूत्रों पर लक्षणों के जो जीन्स होते हैं, यानी लिंग गुणसूत्रों के लक्षणों के जो जीन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक गुणों से होता है। ठीक, फिर यहां पर देखिए आगे क्या कहता है, ये जीन्स ही जंतु में लैंगिक द्विरूपता के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक, फिर दोस्तों इसमें देखिए आगे क्या कहता है, फिर भी जंतुओं का यह गुण अत्यंत जटिल तथा व्यापक होता है और इसे निर्मित करने के लिए अनेक आइटोसोमल जीन्स भी प्रभावी होते हैं। राइट, फिर दोस्तों अगली बात इसमें क्या कहता है, दूसरी ओर लिंग गुणसूत्रों पर कुछ जीन्स लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों वाले कायिक या दैहिक लक्षणों वाले भी होते हैं, ये लिंग सहलग्न जीन्स कहलाते हैं। ठीक, यानी जो कुछ इसके अतिरिक्त कायिक या दैहिक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त अन्य लक्षण जैसे कायिक या दैहिक लक्षण भी जो होते हैं इन्हीं को लिंग सहलग्न हम लोग जीन्स कहते हैं। राइट, और अब इनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, पॉइंटेड बातें हैं, ये हम लोग पढ़ने से इनके बारे में शायद पूरी तरह समझ पाए। तो ये क्या कहता है दोस्तों, कहता है मनुष्य में इस प्रकार के लगभग 120 लक्षणों की वंशागति पाई जाती है। कितना, 120। मनुष्य में इस प्रकार के लगभग 120 लक्षणों की वंशागति पाई जाती है। फिर आगे क्या कहता है, मनुष्य में लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र यक्ष तथा वायु गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, मनुष्य में लिंग निर्धारित करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं यक्ष तथा वायु गुणसूत्र कहलाती है, बात सही है। यद्यपि इनके गुणसूत्रों में विभिन्नता देखी जाती है। दोस्तों अब ये देखिए तीन पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लिंग सहलग्नता वंशागति या वर्णांधता से हम लोग क्या समझते हैं, मनुष्य में इस प्रकार के लगभग 120 लक्षणों की वंशागति पाई जाती है, बात सही है। फिर कहता है मनुष्य में लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र यक्ष तथा वायु गुणसूत्र कहलाते हैं। फिर कहता है यद्यपि इनके गुणसूत्रों में भिन्नता देखी जाती है। राइट, तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लिंग सहलग्न वंशागति या वर्णांधता के बारे में सीख पाए, और इसके बाद हम लोग एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।